सबसे पहले आपने इस वेबसाइट में आ जाना है। तो आपने नेक्स्ट सर्च फॉर योर नेक्स्ट जॉब पर क्लिक करना है। तो इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। अपने करने के बाद आप इस तरह यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी पोजीशंस जॉब्स हैं जो अवेलेबल है, तो आप जो हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर रीड भी कर सकते हैं, 27,000 कुछ हैं, 281 हैं। तो इस तरह आपको जॉब्स ये मिल सकती हैं। ये डिफरेंट नॉर्वे की डिफरेंट सिटीज़ के अंदर है। तो फर्स्ट करें हम ओस्लो के अंदर देखते हैं, ये कैपिटल भी है नॉर्वे का। तो इसके अंदर आप देख भी सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स हैं जो अवेलेबल हैं, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हेल्थ केयर के ऊपर हैं जॉब्स, आप यहाँ पर रीड भी कर सकते हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं जहाँ पर। और अगर आप ग्रेजुएट हुए हैं या आप स्किल्ड लेवल हैं या अनस्किल्ड लेवल हैं, तो अकाउंट मैनेजर, इस तरह नर्स, ब्यूटीफुल वेस्टर्न नॉर्वे, तो इस तरह करके ना बहुत सारी जॉब्स हैं जो अवेलेबल हैं जो आप बिल्कुल आसानी से हासिल कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है नॉर्वे, जो एक यूरोपीय कंट्री है जो शेंजेन जोन के अंदर आती है। उसके लिए हम जॉब्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो स्किल्ड लेवल या अनस्किल्ड लेवल, गवर्नमेंट की जॉब्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या तरीका कार, इन सब टॉपिक्स पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अहमद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल DAhmad0490। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं आपको इस चैनल के ऊपर ट्रैवलिंग के बारे में, मुख्तलिफ कंट्री के वीज़ाज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन फ्राहम करूँगा। आपको बताऊँगा कि हम किसी दूसरी कंट्री में कैसे मूव हो सकते हैं, कैसे, कौन कौन से, क्या तरीका कार वगैरह, इन सब टॉपिक्स पर बात कर रहा हूँ, बात किया करेंगे इस चैनल के ऊपर। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। चले अब बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, नॉर्वे के अंदर जो बहुत सारी जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स हैं, अनस्किल्ड और स्किल लेवल जॉब्स बहुत सारी हैं, उनमें आपको कुछ का नाम बता देता हूँ, बाकी आप खुद भी देख लेना जाकर वेबसाइट में। तो सबसे पहले ब्रेकलेयर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, चीफ्स हैं, रेस्टोरेंट स्टाफ है, आईटी स्पेशलिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, वेयरहाउस वर्कर्स हैं, स्टोर मैनेजर्स हैं, कैशियर्स हैं, गार्डनर्स हैं, केयर टेकर्स हैं, हाउसकीपर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, इस तरह नर्सिस हैं, बहुत सारी और भी बहुत सारी जॉब्स हैं जो अवेलेबल हैं, जो आप अपना बहुत ईजी वे से आप अप्लाई कर सकते हो। आप अपना जॉब लेटर ले सकते हो लेने के बाद नॉर्वे का। तो आपने अब जस्ट आपने अपनी फाइन जॉब करनी है, जॉब का फाइन करने के बाद आपने अपने जो एम्प्लॉयर होगा उससे बात करनी है, उसने अपना ईमेल और अपना नंबर नीचे दिया होगा, आपने जस्ट उसके अपनी सीवी, यूरोपीय यूनियन के हिसाब से अपनी सीवी बनानी है। सीवी बनाने के बाद आपने उसे अपने जो एम्प्लॉयर है उससे बात करनी है और उसे अपनी सीवी देनी है। तो वो कुछ दिनों के अंदर, वो आपको 5 से 10 दिन या हो सकता है वो आपको 1 दिन के अंदर ही आपको रिस्पॉन्स करे और आपको आपका इंटरव्यू ले लेने के बाद आपको वो जॉब लेटर ऑफर कर दे। जॉब लेटर ऑफर करने के बाद आपने वर्क वीज़े के लिए अप्लाई कर देना है। आप सोच रहे हैं वर्क वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है। इस वीडियो के लास्ट में आपको मेरे चैनल की वो प्लेलिस्ट मिलेगी नॉर्वे की, आपने जस्ट उस प्लेलिस्ट को क्लिक करना है और करने के बाद आप मुख्तलिफ वीडियोस शो होंगी आपको नॉर्वे के बारे में। तो आपने जो वर्क वीज़े वाली है वो देख कर आपने अपना अप्लाई कर लेना है, ठीक है। वर्क वीज़ा मुकम्मल डिटेल से मैंने बताया हुआ है। नॉर्वे के अंदर यूरो, ये एक आप समझ लें जो यूरो के अगर हिसाब से, नॉर्वे की जो अपनी करेंसी है NOK है, तो इस तरह आप यूरो के हिसाब से अगर मैं आपको बता दूं, बहुत हाई स्किल आप समझ लें, एक बहुत वर्कर शॉर्टेज है जहां बहुत हाई एक सैलरी मिलती है, जिसकी नॉर्वे की जो इस वक्त वीज़ा रेशियो वो भी 98.9% है। इस तरह बहुत सारा आप अप्लाई करें और आपको 100% आपको जो जॉब लेटर मिलेगा, आपको वर्क वीज़ा भी आपको मिलेगा नॉर्वे का। तो नॉर्वे का वर्क वीज़ा लेने के बाद आप यूरोप की किसी दूसरी कंट्री में भी मूव हो सकते हैं बहुत इजी वे से, ये एक इजी प्रोसेस है। तो आपने चले, आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में सबसे पहले बता दूँ, तो इसके जो बेनिफिट्स हैं उसमें आप अपना नॉर्वे का, जब आपके पास वर्क वीज़ा होगा, जब आप नॉर्वे चले जाएँगे जॉब लेटर लेने के बाद, तो इस तरह आप अपने फैमिली को भी बुला सकते हैं, वहाँ पर आपकी हेल्थ जो होगी, हेल्थ वो आपको बिल्कुल फ्री हो जाएगी। इस तरह आपको जो मुख्तलिफ डिफरेंट कोर्सेज होंगे जो गवर्नमेंट से स्पॉन्सर होंगे, वो भी आपको बिल्कुल फ्री आपको करवाए जाएंगे। इस तरह आपको बहुत सारे और भी बेनिफिट्स होंगे। तो नॉर्वे जो है इस वक्त जो टॉप पर चल रही है, तो आप भी अप्लाई करें तो आपको भी इंशाल्लाह ज़रूर वीज़ा मिलेगा नॉर्वे का। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतनी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना।
और अगर वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द बता सकूँ, आपको जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दे सकूँ। अगर आप पर्सनली पूछे जाते हो तो आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप बात कर सकते हैं। अब भाई सोच रहे होंगे अहमद भाई आपने बताया नहीं कि हमने कहाँ से जाके अप्लाई करना है, तो उसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नॉर्वे की जॉब्स फाइंड करने के लिए। तो आपने जस्ट उस लिंक को क्लिक करना है और अपने लिए जॉब फाइंड करना है, जॉब फाइंड करने के बाद आप अपना वर्क वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक खत्म होता है, तो आज की वीडियो इतनी ही, तो अपने दोस्त अहमद को दे जाए, अल्लाह हाफिज़।